क्या कैसे आप लोग? आज का हमारा जो लेक्चर हमने स्टार्ट करना है, जो मैंने टॉपिक चूज किया वो है थ्रेटन्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। जो जो मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में लेक्चर्स हैं उनको मैं आपकी स्लाइड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान, हमने क्योंकि ये लेक्चर अगला टॉपिक मैंने चूज किया क्योंकि जो हमने पहले बायोडाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान पढ़ी है ना, तो उससे ये मैच कर रहा है, ठीक है, उससे कंटिन्यूटी में चल रहा है। पहले हमने वाइल्ड लाइफ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो पढ़ी थी, आज जो उसी की कंटिन्यूटी में आ जाता है। तो थ्रेटन्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो थ्रेटन्ड है। थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का रोल क्या है, और जो स्पीशीज हमने इन स्पीशीज को हमने कंजर्व करना है, उन स्पीशीज को हमने क्यों कंजर्व करना है, और ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेटन की तरफ जा रही है, बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन की तरफ जा रही है, एंडेंजर्ड स्पीशीज हो रही है हमारे पास। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी ये क्या है। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एज यू नो द डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द जीन दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म, ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमारे पास बायोलॉजिकल फ्लोरा एंड फॉना में कितनी स्पीशीज मौजूद हैं और इन स्पीशीज की ये वैरायटी मौजूद है। बायोडाइवर्सिटी इज रिड्यूस्ड व्हेन पीपल मॉडिफाई इकोसिस्टम एंड डिस्ट्रॉय हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हमारे पास ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये रिड्यूस हो जाती है उस वक्त जब ह्यूमन हमारे जो इकोसिस्टम है उसको मॉडिफाई करते हैं और जो हमारे प्लांट्स और एनिमल की जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उस टाइम पे आके हमारी बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाती है। साइंटिस्ट एग्री करते हैं द वर्ल्ड एनिमल प्लांट्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट फार फास्टर देन इज हिस्टोरिकली नॉर्मल एंड दैट कलेक्टिवली देयर लॉस विल हैव ग्रेट कंसीक्वेंसेस फॉर ह्यूमैनिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या है मेजर कंसर्न है हमारी थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि साइंटिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि जो हमारी वर्ल्ड एनिमल्स हैं और जो प्लांट हैं ये एक्सटेंट हो रहे हैं, ज्यादा तेजी के रेट पे एक्सटेंट हो रहे हैं देन जितना इन्हें होना चाहिए, जितना हिस्टोरिकली नॉर्मली होते थे, आज इस टाइम में वो ज्यादा हो रहे हैं। कलेक्टिवली उनका जो लॉस है उसका कंसीक्वेंस होगा हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर और फिर हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अब हमारी ह्यूमैनिटी भी किस तरह होगा कि देखें हम डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल को अपनी बेनिफिट्स के लिए भी यूज करते हैं, अगर वो एनिमल्स ना रहे वो एक्सटेंट हो चुके तो ह्यूमन को उससे फिर उसकी एक्सटेंशन से ह्यूमन के ऊपर भी नेगेटिव कंसीक्वेंस आ सकते हैं, ह्यूमन के ऊपर जो वो उन प्लांट और एनिमल्स से ले रहे थे। इट इज क्रूशियल टू सेफ गार्ड जो हमारे पास रह चुका है, कि ये जरूरी है बहुत कि जो चीजें हमारे पास अब रह चुकी हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर, जो रिसोर्सेज रह चुके हैं उनको क्या किया जाए, उनको कंजर्व किया जाए, उनको जो है ना सेफ गार्ड किया जाए, उनके लिए प्लानिंग की जाए। फार्मा इंक्रीजिंगली कंजप्टिव लाइफ स्टाइल एंड एस्केलेटिंग अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है उसने ओवरटेकिंग कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज में देखा जाए तो अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा ग्रेटर रेट पे हो रही है एंड देयर वाइल्ड एरियाज, और जितने भी वाइल्ड एरियाज हैं वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ह्यूमन की कम्युनिटीज डेवलप होती जा रही हैं, जितने भी हमारे पास वाइल्ड फॉरेस्ट है उनको गिरा के वहाँ पे इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश किया जा रहा है। तो उसकी वजह से जितने भी हैबिटेट था प्लांट्स का एनिमल्स का, वो जो एक एरिया था जो कि उनके लिए एक स्पेसिफाइड एरिया था वो क्या हो रहा है, वो लॉस होते जा रहा है, अनप्लान्ड ह्यूमन ग्रोथ। इसके अलावा जो ह्यूमन की ग्रोथ है वो भी अनप्लान्ड जा रही है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो उनको स्पेस चाहिए रहने के लिए, तो उस स्पेस को पूरा करने के लिए वो जो नेचुरल हैबिटेट था हमारे प्लांट्स और एनिमल्स का उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ वो चाह रहे हैं। एंड सेटलमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड आर काजिंग न्यू इनॉर्मस प्रेशर ऑन द वाइल्ड रिसोर्स, और जितने भी ये सेटलमेंट्स हैं इनकी वजह से पूरी वर्ल्ड के अंदर उन्होंने जितने भी हमारे वाइल्ड रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर एक ग्रेट इम्पैक्ट डाला और हमारी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है इसको वो लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं। द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू हैव मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑफ विच ओनली अभी तक
1.5 मिलियन हैव बीन डिस्क्राइब और आइडेंटिफाइड, ठीक है, कि वर्ल्ड में देखा जाए तो मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, अभी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि अभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुई, और विदाउट हो सकता है वो आइडेंटिफिकेशन ही एक्सटिंक्ट की तरफ जा रही हूँ, इनका भी कोई आइडिया नहीं है कि कितनी जो वाइल्ड के अंदर स्पीशीज हैं वो विदाउट एक्सटिंक्ट विदाउट आइडेंटिफिकेशन वो सारी की सारी स्पीशीज एक्सटिंक्शन की तरफ जा चुकी हैं ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग रेट ऑफ कंजप्शन। जो नेचुरल वेल्थ है हमारे प्लैनेट की वो लॉस्ट हो रही है, और इसका जो लॉस जा रहा है ये 5% पर डिकेड, यानी कि हर 10 साल में ये 5% लो चला जा रहा है। जितनी भी नेचुरल वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ में हमारे जितनी भी सारी बायोडाइवर्सिटी किया गया था, दिस इज अ ट्रेजिक लॉस टू द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट। हमारे एथिकल रीजंस की वजह से भी, एथिकल क्या है कि जो अल्लाह ताला ने ह्यूमंस के लिए ये एक अर्थ बनाई है, इसके अंदर उन्होंने एक नेचुरल रिसोर्सेज को डिवेलप किया, वो नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू ह्यूमन मिसबैलेंसिंग सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एवरी इंडिविजुअल के जो भी रिसोर्सेज उसकी हिस्से में आते हैं वो उनके बारे में रिस्पॉन्सिबल है, इज आंसरेबल फॉर हिम। तो ये एथिकल रीजन की वजह से भी ये है कि उसको विदाउट चेक एंड बैलेंस डिस्ट्रॉय ना किया जाए। इसके बाद एस्थेटिक पर्पस के लिए भी हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। हमारे देखें एस्थेटिक पर्पस में देखें तो हमारे जो फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है, ये एस्थेटिक पर्पस में यूज होता है। अगर देखा जाए तो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो इसी वजह से एस्थेटिक पर्पज में आता है ना, कि वहाँ पे एक ग्रीनरी और एक जो वाइल्ड लाइफ का जो एक नेचुरल सीनिक एरियाज है वो ज्यादा है। इसके बाद जितना भी और भी एस्थेटिक पर्पज देखा जाए, अगर हम बर्ड्स की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स भी हैं जो कि अगर किसी जगह नेचुरल वाइल्ड लाइफ में हम देखें तो वो एक खूबसूरती में इजाफा करते हैं, उसकी एस्थेटिक पर्पज में वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमी में भी इसकी वजह से लॉस हो जा रहा है। इकोनॉमी में भी कैसे लॉस जा रहा है कि जैसे कि फॉरेस्ट से अगर हमें कोई यूजफुल चीजें मिल रही हैं तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो जा रहा है। इसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं वो अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में तो अगर वो लॉस जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो हमारा इकोनॉमी है वो भी इस वजह से लॉस में जा रही है, तो इकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी। तो ये ट्रेजिक है कि बायोडाइवर्सिटी को हम इस बेस पे लॉस करते जा रहे हैं। अलार्मिंग लॉस ऑफ हैबिटेट एंड स्पीशीज एंड इकोसिस्टम प्रोसेसेस, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन देम हैज स्टिमुलेटेड कंजर्वेशनिस्ट अराउंड द ग्लोब, के ये जो हमारे पास सारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जा रही है। अब जितने भी नेचुरलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस बारे में जितने भी कंजर्वेशनिस्ट हैं जो कि इस एम के साथ जो है ना उनके माइंड में होता है कि हमने बायोडाइवर्सिटी के जितने भी चीजें हैं इनको कंजर्व रखना है, वो अब क्या करें कि वो अवेयरनेस जो नॉलेज है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू आउट द ग्लोब, ठीक है, उन रिसोर्सेज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, और वो एक अटेम्प्ट अपनी कर रहे हैं कि हम जितने भी प्लैनेट डेकलाइन प्लैनेट्स की वेल्थ जो डेकलाइन की तरफ जा रही है ना उसको हम दोबारा से कंजर्वेशन की तरफ लेके आया जा सके। प्रिपरेटिव एफर्ट्स एंड सेफ गार्ड जो सेफ प्रोग्राम्स हैं कंजर्वेशन स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए और हमारी इकोसिस्टम की कंजर्वेशन के लिए, इनके लिए हमें एक रिलायबल डेटा भी चाहिए, डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन सोर्स भी चाहिए और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी चाहिए, तब ये हो सकता है। कि अब इस तरह की किसी एरिया में हमने पहले ये देखना होता है कि किसी एरिया में एक की स्पीशी क्या है, उस स्पीशी का स्टेटस क्या है, उस स्पीशीज की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, क्या उस स्पीशी की वजह से हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, उस स्पीशी को क्या बेनिफिट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट से, या वो स्पीशी हमारे एनवायरनमेंट की वजह से किस तरफ जा रही है, उसका पूरा डेटा जो है ना वो किसी भी स्पीशी को कंजर्व करने के लिए वो जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे पास डेवलपिंग वर्ल्ड्स हैं ड्यू टू इकोनॉमिक स्ट्रगल एंड कंपटीशन फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल, इम्पैक्ट्स एंड प्रायोरिटीज जो एनवायरनमेंट की एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, वो कुड नॉट फाइंड सेटिस्फैक्ट्री डायरेक्शन रिसेंट डिकेड के अंदर। उन्होंने कोई भी अभी डायरेक्शन ऐसी नहीं फाइंड की जो बिल्कुल इसको कंजर्व करे। बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, समटाइम ऐसे प्लान्स बनते हैं कि उनके ऊपर फिर चेक एंड बैलेंस नहीं होता और वो प्लान सिर्फ उनके ऊपर प्लान्स ही बन के रह जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास जितनी भी इनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस की तरफ जा रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म होती जा रही है।
ठीक है। अनदर प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ कंसिस्टेंट अप्रोच, कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं अप्लाई का। मैंने एकदम एक स्पीशीज के बारे में पढ़ा या किसी के बारे में, किसी साइंटिस्ट ने किसी भी एरिया या स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए कोई प्लान बनाए, वो कुछ दिन के लिए उसके ऊपर स्टक रहे एंड देन उसके ऊपर कोई कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं की। अब कोई भी जो नेचुरल एरिया है, नेचुरल फाना है, वो एक हद स्पीशीज से तो नहीं कंजर्व हो सकता ना। उसके लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, उसके लिए हमें विद ईयर्स जो है ना कंसिस्टेंट होकर चलना पड़ता है। तो वो एक कंसिस्टेंट अप्रोच जो है ना वो लैक है। रिलायबिलिटी जो डिपार्टमेंट के अंदर है और जो जो वर्क कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस में, वो कहीं ना कहीं उसमें लैक है। एंड इंस्टीट्यूशन वर्किंग टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फॉर द कंजर्वेशन प्रायोरिटीज प्रोसेस। तो इसमें कोई कंसिस्टेंट हमारे पास अप्रोच अभी तक अवेलेबल नहीं है। जब तक इस तरह की बातों में कंसिस्टेंट अप्रोच अवेलेबल नहीं होगी और कोई भी प्लान या कोई भी स्ट्रेटेजी बनेगी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो फिर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व नहीं हो सकेगी। लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स एंड ट्रेन्ड प्रोफेशनल जो है ना एक अदर वीक एरिया है, जो कि इस प्रोसेस में जो है ना इस प्रोसेस की स्लोनेस का बायस बन रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल असेसमेंट में और जितने भी हमारे पास इनकी प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस है, इसमें पाकिस्तान के पास भी हैज नो ट्रेडिशन ऑफ मेथोडोलॉजिकल एंड सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन। पाकिस्तान के पास भी ऐसा कुछ ट्रेडिशन नहीं है कि कोई भी हमारे पास एक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन आए किसी भी तरह उसको एनालाइज करने के लिए या उसको एग्जामिनेट करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए फ्यूचर डिजाइनिंग फ्यूचर कंजर्वेशन प्रायोरिटीज के लिए। अगर हम क्या करेंगे, वेट करें कि ऐसी कोई मेथोडोलॉजी डेवलप हो बिफोर अगर हमने कोई कंजर्वेशन एफर्ट लेनी है, इट मे बी टू लेट, ये बहुत लेट हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव टू रिलाई ऑन द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एट अ टाइम हमें उनके साथ जो है ना वो काम करके उनको जो है ना एक बेस्ट काम करने देना चाहिए। वरना जो है ना बहुत लेट हो जाएगा कि हम कोई न्यू मेथोडोलॉजीज डेवलप करें और फिर हम न्यू कंजर्वेशन लें, फिर हम कोई डेटा इकट्ठा करें। तो जो एग्जिस्टिंग काम हो रहे हैं बायोडायवर्सिटी पे, उन्हीं को एक रिलायबल सोर्स के तौर पर लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक्स लिस्ट। रेड डेटा बुक्स और लिस्ट जो है ना ये डिवेलप की गई है ताकि अब देखें, एक मैन लाइक अगर आप हैं एक ले मैन है जिसको कोई आइडिया ही नहीं आ, उसने बिल का स्टेटस लिखना है, तो वो कैसे हाउ चेक, वो कैसे चेक करेगा कि ये स्पीशी क्या है, इसका स्टेटस क्या है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो रेड बुक डेटा बुक या लिस्ट जो है ना ये कंसेप्ट डेवलप हुआ था। द कंसेप्ट ऑफ रेड डेटा बुक्स वाज गिवन बाय सम 30 years अगो बाय द लेट सर पीटर स्कॉट, जो जो चेयरमैन था स्पेशल सर्वाइवल कमीशन का। उसने जो है ना ये कंसीव की थी IUCN इंटरनेशनल रेड डेटा बुक और उसने रजिस्टर किया था फॉर अ थ्रेटन वाइल्ड लाइफ दैट इंक्लूड डेफिनेशंस ऑफ डिग्रीज ऑफ थ्रेट। जहाँ उसने रेड डेटा बुक के अंदर जो है ना कैटेगरीज बनाई थी उन स्पीशीज को लिस्ट करने के लिए कि ये स्पीशीज का स्टेटस क्या है। हमने क्लास में एक IUCN कैटेगरीज की एक लिस्ट पढ़ी थी। उस IUCN कैटेगरीज की लिस्ट में हमने ये देखा था कि ये थ्रेटनड है, ये लेस थ्रेटनड है, ये एक्सटेंशन, ये एक्सटेंट है, ये एक्सटेंट इन वाइल्ड है। तो वो सारी चीजें हमने वहां पे देखेंगी। तो वो एक रेड डेटा लिस्ट है क्या? रेड डेटा बुक जो है ना हर 5 year के बाद IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल, ये क्या करती है कि ये एक बुक पब्लिश करती है। ये बुक के अंदर पूरा जितना भी डेटा होता है थ्रेटन स्पीशीज का, वाइल्ड स्पीशीज का, या जितनी भी स्पीशीज की इसके पास लिस्ट है, वो हर स्पीशीज का एक डेटा जो है ना वो जारी करती है। उस डेटा के अंदर का स्टेटस लिखा होता है कि ये स्पीशीज के ऊपर कितने काम की जरूरत है, इस स्पीशीज को कहाँ पे लेके जाने की जरूरत है, या वट सो एवर स्पीशीज की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो इस डेटा के अंदर होते हैं। दिस कंसेप्ट जनरेटेड इनॉर्मस इंटरेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट वॉज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द प्रोडक्शन बाय नेचुरल जितने भी रेड डेटा साइंटिस्ट थे। स्टिल मैनी कंट्रीज जो है ना वो बिहाइंड है कि वो अपना रेड डेटा बुक जो है पब्लिश करें। इट वॉज सून रिकोगनाइज दैट एफर्ट जो बायोडाइवर्सिटी थी वो फेल हो जाएगी अगर एक्सपर्टीज एंड इंफॉर्मेशन जितनी भी कंट्रीज की हैं वो अगर ना हमें मिली रैपिडली, उनको ना लाया गया। तो इन द कंजर्वेशन वर्ल्ड टूडे IUCN रेड लिस्ट आर द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव जो इन्वेंट्रीज हैं ग्लोबल डायवर्सिटी फ्लोरा और फौना की। इसको जो है ना एक इवॉल्विंग सेट ऑफ क्राइटेरिया पे यूज किया जाता है हर
5 साल के बाद इस लिस्ट को रिव्यू किया जाता है और बताया जाता है कि इस स्पीशीज का ये स्टेटस था, अब ये स्पीशीज इस कैटेगरी में इस लिस्ट पे पहुंच चुकी है। उसमें ये फिर आइडिया हो जाता है कि जो स्पीशीज का एक्सटेंट थी वो बिल्कुल ही बर्ड से एक्सटेंट हो चुके हैं, या उनमें कोई 5 साल में विद इन 5 ईयर कोई कंजर्वेशन एफर्ट की गई है, और उस स्पीशीज का अब स्टेटस क्या है। इट इज यूज एन इवॉल्विंग सेट ऑफ क्राइटेरिया इवॉल्व करने के लिए, रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज। द क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल टू ऑल स्पीशीज इन ऑल रीजन एंड ऑल कंट्रीज के अंदर। द ओवरऑल एम्स जो है ना वो रेड लिस्ट का वो क्या है कि कन्वे करें अर्जेंसी की, कितना अर्जेंट है किसी स्पीशीज को कंजर्व करना, और कंजर्वेशन के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पब्लिक को बताना, और जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बताना, और फिर उनको मोटिवेट करना कि ग्लोबल कम्युनिटी क्या है, उसको ट्राई करना कि जितने भी रिड्यूस रिस्क हैं स्पीशीज एंड एक्सटेंशन के रिलेटेड। द रेड डेटा लिस्ट बुक्स जो है ना वो किस पे पब्लिश की जाती है, इंटरनेशनल, रीजनल एंड नेशनल लेवल, हर लेवल पे जो रेड डेटा बुक्स हैं वो पब्लिश की जाती हैं। तो ये अभी काफी लंबा टॉपिक है, इसको साथ साथ पढ़ें, जिस दिन ये खत्म हुआ मैं आपको बताऊंगी, इसको पढ़ के इसके नोट्स बना के आप मेरे साथ शेयर करें।